तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आ चुके हैं हमारे बागान पे। और फिलहाल जो यहाँ पे देख रहा होगा आपको, ये छोटे छोटे माउंटेन क्यों बना के रखा है हम, ये फिलहाल हम लगाएंगे यहाँ पे पम्पकिन, हाँ कद्दू बोलते हैं उसे, कद्दू। और लगाएंगे हमें पानी कुमरा, पानी कुमरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम जानता नहीं है। तो फिलहाल जो कद्दू है वो इस प्रकार से हम लगाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ऊँचे ऊँचे के साथ और मट्टी के साथ यहाँ पे काले काले, इसमें गोबर मिक्स किया गया है, गोबर मिक्स कर सकते हैं। फिलहाल हमने तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट होता है ना, जो वर्मी कंपोस्ट बनते हैं, क्योंकि पिछले साल मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल के किया तो जो रिजल्ट था बहुत ही अच्छा हुआ, हमारा जो वहाँ वेजिटेबल्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से निकला। और यहाँ पे है, ये पुरन है हमारे चाय पत्ती गार्डन का सबसे पुराना आदमी, पुरन। तो कद्दू कैसे अच्छे से निकलेगा ना, ठीक है। और ये हमारा गार्डन का सबसे पुराना आदमी है, ये इसका नाम पुरन है। और फिलहाल आज के लिए इसे मैंने इस कद्दू बागान में हायर किया है, क्योंकि ये एक्सपर्ट है। और आगे चलते चलते आपको दिख रहा होगा पूरा लाइन, स्ट्रेट लाइन पे हमने लगा के रखा है ना, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो स्ट्रेट लाइन पे दिखिए, क्योंकि जो होता है ना स्ट्रेट लाइन पे करने से जो बागान भी सुंदर दिखता है और आपको क्लीनिंग प्रोसेस में भी बहुत ही ईजी हो जाता है क्लीनिंग के लिए। जैसे शुरुआत में बहुत जंगल होता है तो आपको स्ट्रेट लाइन पे आप आराम से ट्रैक्टर दौड़ा सकते हैं, जब शुरुआत में इसका जो जड़ इतना नहीं फैलता है तो उसके बाद राउंड अप भी आराम से मार सकते हैं। जंगल को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा जंगल ही इसके प्रोटीन्स खा जाएंगे ना। अच्छी तरीके से मार रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्रकार से, आपको भी इस प्रकार से अच्छे प्रकार से जो होता है मट्टी को नरम करना पड़ेगा, इसके बाद लगाना है। और इसका नाम संजीत है, हमारा गार्डन का जाना माना वर्कर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो, यहाँ पे फिलहाल मैं जो गाड़ी पे वर्मी कंपोस्ट लाया, वर्मी कंपोस्ट मीन्स एक तरह का मेन्योर है। वर्मी कंपोस्ट आपको पता नहीं होगा तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, जिसमें हमें आर्ट वर्म डाल के ना, आर्ट वर्म गोबर ये सब मिक्स करके डिकम्पोस्ट करते हैं उसे, जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सकते हैं उसमें, जैसे हम तो कोल गाछ यूज़ करते हैं। और यहाँ पे दीप है, ये भी हमारे गार्डन के वर्कर है दोनों। आज दोनों को मैंने यहाँ पे कद्दू खेती पे हायर किया है, तो फिलहाल आज का दिन यहाँ पे इन्हों का काम होगा। और दिख रहा है आपको यहाँ पे पूरा मकई लगाया गया है हमें, कॉर्न, और इस साइड पे भी कॉर्न लगाया, यहाँ पे आलू लगाया था हमने, और वहाँ पे सब्जी बगान देखिए पूरा जंगल करके रख दिया हमारा आएगा केयर टेकर। और अभी हम फिलहाल यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट, यहाँ पे जो स्टॉक किया था वो लेके जाएंगे वापस। और यहाँ पे देखिए और एक बार, मौसम भी आज का बहुत सुहाना है, फिलहाल बहुत ही जंगल है। तो पूरा ना अभी निकल रहा, भीजा है ना पूरा ना अभी भी, तो जलाने तो कल पड़ेगा लगता है, बारिश तो नहीं आएगा ना, कल जलाना पड़ेगा ना। अभी फिलहाल मेरा वर्मी कंपोस्ट ला के हो गया है, उसके बाद फिलहाल जो आपको देख रहा है आगे पे, अभी रोटोवेटर मार रहा है, जो मिट्टी को फिनिशिंग देने में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और फिलहाल यहाँ पे हम लगा रहे हैं, पूरे प्लॉट पर लगाएंगे इस बार मकई कॉर्न। और वहाँ पे जो जंगल दिख रहा है वहाँ पे हमारा अडवा लगा हुआ है, फिलहाल हम अडवा का रेट के लिए वेट कर रहा था। और यहाँ पे हमने दो ट्रैक्टर लगाया, क्योंकि जो होता है ना ये अरुणाचल का मौसम को आप क्या बोले, कभी साथ नहीं देता है तो कभी भी बारिश दे सकता है। तो फिलहाल मेरा वही मोटिव रहता है कि जो काम को करना है मैं उसे फटाफट कर लेता हूँ। और जैसे अभी मकई लगाना था, मकई भी लगा लिया, पम्पकिन भी लगा दिया, अभी देखो मौसम किस प्रकार से ख़राब हो रहा है, थोड़े दिन पहले तो बारिश भी दिया, तो मिट्टी बार बार हमें ये नरम करते रहना पड़ता है तो हल मार के। तो फिलहाल मैं एक झटके में सब काम करने के लिए मैं डबल ट्रैक्टर लगा के फटाफट ख़त्म कर लेता हूँ सब काम को। तो फिलहाल अभी दोनों का भी काम ख़त्म हो गया, अभी दोनों भी घर जाएंगे अभी, और वापस ले जाएंगे आपको कद्दू बागान पे। पांच टू अच्छा चला धालो, हाँ बोट है उठी, सूखा ज़्यादा सूखा वाला का मत धालो। ओ यहाँ पे देखिए, हाथ से अच्छी तरीके से मिला के ये लोग ढाल रहे हैं सीड्स पम्पकिन का, कद्दू का। और वहाँ पे आधे आदमी अभी भी
जो इस तरह के फॉर्मेशन बनाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सीट्स लगा रहे हैं, कितना थू लगाए, तीन थू, चार टू पांच थू देख के। तो अच्छा अच्छा वाला सीट्स लगाना है, हाँ सब फालतू फालतू मत लगाओ, हाँ रिजेक्टेड माल को अंदर में डाल लो पोलिथीन में वापस, थोड़ा बढ़िया बढ़िया माल को घुसाना है। गुड्डू गुड्डू, आपको गुड्डू गुड्डी से बहुत दिन नहीं मिलाया था ना, अभी दोनों बड़ा हो चुका है। अभी ये गुड्डी थोड़ा डरता है, अभी हम बहुत दिन से आया नहीं फिलहाल, तो गुड्डू तो मुझे पहचान गया। और इन लोगों का घर यहाँ पे अंदर पे बैठता है ये लोग। और यहाँ पे मुर्गी लोग भी है, देखिए मुर्गी लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर मुर्गी लोग खेल रहे हैं। गेम में लड़का लोग हॉकी खेल रहा है, बोलता हॉकी बोलता है इसको, हॉकी है ना, गिल्ली डंडा है, गिल्ली डंडा जैसा लग रहा हम तो, वाह लगा ही नहीं। और ये देखो इस प्रकार से मारते वहां से टर्न बाय टर्न, वाह हवा में उड़ गया पूरा, वाह यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ उड़ा रहा है।